न्यूज फटाफट पर नजर करिए तो गुजरात में फरी चाले मोदी मैजिक। माधवसिंह सोलंकी बाद रेकॉर्ड जीत। विधानसभा की चूंटनी में 156 बैठकों साथ भाजपा की ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस मिली 17 बैठक तो आम आदमी पार्टी ए 5 और अपक्ष ने मिली 4 बैठक। गुजरात में भाजपनी भव्य जीत बाद दिल्ली में उजवणी। वडाप्रधाने कह्युं मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल तो रेकॉर्ड नो पण रेकॉर्ड तोड्यो छे। परिवारवाद सामे जनतानो आक्रोश, लोकशाही माटे सारो संकेत। वडाप्रधाने युवानो माटे कह्युं गुजरातनी चूंटणीमां 1 करोड़ एवा मतदारो हता जेमणे कोंग्रेसनुं शासन जोयुं न हतुं। युवा मतदारोए भाजप पर पोतानी पसंदगी उतारी। युवा मतदारो विजन अने विकासनी राजनीति इच्छी रह्या छे। गुजरात सीएम भूपेन्द्र पटेल गाटलोडिया बैठक पर रेकॉर्ड ब्रेक जीत। 1,91,000 मतों थी सीएम विजयी थया। एक वक्त फरी गाटलोडिया की जनता सीएम ने जंगी संख्या में मत आप्या। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर आमी याज्ञिक की हार। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह सीएम भूपेन्द्र पटेले अभिनंदन पाठव्या। फोन पर जीत की खुशी व्यक्त करी। गांधीनगर कमलम में सीएम भूपेन्द्र पटेल और भाजप प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल एकबीजा ने मिठाई खवड़ी। भाजप नेताओं मिठाई खवड़ी खुशी व्यक्त करी। भाजपनी भव्य जीत बाद मुख्यप्रधाने वीडियो संदेश मोकलता कहू आवनार वर्षो में गुजरात सर्वांगीण विकास और जनकल्याण आ डबल एंजीन सरकार अविरत समर्पित रहेशे। सीएम भूपेन्द्र पटेले ट्वीट करी गुजराती जनता नो आभार मान्यो। कहू गुजरात विधानसभा चूंटणी में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय अपावा बदल राज्य सौ मतदारों हृदय थी आभार। जनसेवा संकल्प साथ अथाग पुरुषार्थ करना कार्यकर्ता और पक्ष ने हार्दिक अभिनंदन पाठवु छू। गुजरात विधानसभा की चूंटणी में भाजपनी प्रचंड जीत। गांधीनगर विधानसभा ग्राउंड में 12 डिसेम्बरे योजाशे शपथविधि। पीएम मोदी हाजर रहेशे। भाजप शासित राज्यों मुख्यमंत्री पण हाजर रहेशे। कांग्रेस प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर नु निवेदन जनता ने निर्णयों ने माथे चढ़ावाना होय छे। जनता नो निर्णय कोई पण पार्टीए शिरोमान्य राखवानो होय छे। विधानसभा चूंटणी में कारमी हार बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रघु शर्माए राजीनामु आप्यु। हार की जवाबदारी स्वीकारता राजीनामु आप्यु। चूंटणी पहेलाना दावा खोटा पड्या। अमदावाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकरोए परिवर्तन की घड़ियाड़ पर पत्थरमारो कर्यो। कांग्रेसी कार्मी हार बाद कार्यकरे रोष ठालव्यो। दक्षिण गुजराती 35 विधानसभा बैठक में भाजपे 34 बैठकों सर करी। समग्र प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों उजवणी करी। नवसारी जिला की 3 बैठकों जीतता भाजपा कार्यकरोए ढोल नगारा वगाड़ी आनंद व्यक्त कर्यो। आदिवासी प्रभावित 27 में 23 बैठकों भाजपने मिली। 2017 में आदिवासी प्रभुत्ववाड़ी 17 बैठकों कांग्रेस पासे हती। कांग्रेस 17 में मात्र 3 बैठक पर समेटाई। वागोड़िया में भाजपा छेड़ो फाड़नारा मधु श्रीवास्तव हार्या। वागोड़िया में भाजपा ने कांग्रेसे बढ़ो झटको। अपक्ष धर्मेन्द्र सिंह जीत्या। चूंटणी पहला मधु श्रीवास्तव भाजपा साथ छेड़ो फाड़ियों। पंचमहाल पूर्व सांसद ने कालोल विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार प्रभासिंह चौहान हार्या। भाजपा थी कांग्रेस में जनार प्रभासिंह भाजप पर बोगस वोटिंग नो आरोप लगाव्यो तो ईवीएम में सेटिंग होवानु पण कह्युं। नर्मदा जिला ना डेडियापाड़ा में आपना उम्मीदवार चैतर वसावा विजेता। बीटीपी छोड़ने आप में जोड़ायेला चैतर वसावा हता चर्चा में। भरूचनी झगड़िया में बीटीपी 7 टर्म थी धारासभ्य छोटू वसावा हार्या। झगड़िया में भाजपना रितेश वसावा की जीत। चूंटणी पहला छोटू वसावा परिवार में हतो आंतरिक कलह। देवभूमि द्वारका में खंभाड़िया बैठक पर भाजपनी जीत। भाजप उम्मीदवार मुड़ुभाई बेरा की भव्य जीत। आपना मुख्यमंत्री पदना चेहरा ईशुदान गढ़वी और कांग्रेस धारासभ्य विक्रम माडम ने मात आपी।
સુરતા વરાછા રોડના આપના ઉમેદવાર અલ્પેશ કથિરિયા ફરી એકવાર કુમાર કાનાણીને પગે લાગ્યા. કથિરિયાએ પગે લાગીને આશીર્વાદ લીધા. ભાજપની વરાછા રોડ બેઠક જીતવા પર કાનાણીને અભિનંદન પાઠવ્યા. વિરમગામ બેઠક પરથી હાર્દિક પટેલનો જંગી વિજય થયો. જીત બાદ ભાજપના કાર્યકરોએ હાર્દિક પટેલનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. હાર્દિકે આગામી 10 વર્ષના વિકાસની વાત કરી. અમરેલીમાં કોંગ્રેસ ઉમેદવાર પરેશ ધાનાણીની હાર. ભાજપ ઉમેદવાર કૌશિક વેકરિયાની થઈ જીત. ધાનાણીએ કૌશિક વેકરિયાની જીત બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. રાજકોટની ધોરાજી ઉપલેટા બેઠક પર ભાજપ ઉમેદવાર મહેન્દ્ર પાટલી અજીત્યા. કોંગ્રેસના લલિત વસુયાએ આપ્યો પરાજય. કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરી. મહેસાણાના વિસનગરમાં ભાજપના ઉમેદવાર અને આરોગ્ય પ્રધાન ઋષિકેશ પટેલની જીત થઈ. જીત બાદ ઋષિકેશ પટેલે વિસનગરનો વિકાસ કરવાની વાત કરી. અરવલ્લીમાં મોડાસા બેઠક પર મોટો ઉલટફેર. મોડાસા બેઠક પર ભાજપનો ભવ્ય વિજય. ભાજપ ઉમેદવાર ભીખુસિંહ પરમારની જીત. ભીખુસિંહ પરમારે કોંગ્રેસના રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોરને હરાવ્યા. છેલ્લી બે ટર્મથી ધારાસભ્ય રહેલા રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોરનો પરાજય. પોરબંદરમાં કોંગ્રેસ ઉમેદવાર અર્જુન મોટવાડિયાની જીત. મોટવાડિયાએ કાર્યકરો અને જનતાનો આભાર માન્યો. કોંગ્રેસી કારમી હાર માટે અર્જુન મોટવાડિયાનું નિવેદન. કહ્યું કોંગ્રેસી હાર માટે આપ જવાબદાર. જામનગર ઉત્તર બેઠક પરથી ભાજપના રીવાબા જાડેજાએ મેળવ્યો વિજય. જીત બાદ રોડ શો કર્યો. કેન્દ્રીય નેતૃત્વ અને જનતાને ધન્યવાદ પણ કહ્યું. રવિન્દ્ર જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.